हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो यू के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे संबंधित हम आपके लिए हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होगा, पहले हम सिलेबस आपको जानकारी देंगे। सिलेबस के बाद जितने भी टॉपिक हैं उनकी तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से आपको कराई जाएगी। और हिंदी का जो आपका पेपर पढ़ रहा है, हम ये बीए का सिलेबस लेकर आए हैं, तो अगर आपको एमए की भी तैयारी करनी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक बन रहे हैं। तो प्रथम दो आपके पेपर होने हैं बीए थर्ड ईयर। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर असाइनमेंट बेस पास होंगे, और जो थर्ड ईयर है उनके एग्ज़ाम होंगे, और जो फोर्थ सेमेस्टर है यानी कि एमए का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होंगे। एम है या एम कॉम है, कोई सा भी आपका फोर्थ ईयर उसका फाइनल है तो उसके एग्ज़ाम होंगे। और स्नातक में भी ऐसे ही होना है, अगर आपका फाइनल ईयर है तो आपके एग्ज़ाम होंगे 24 तारीख से। कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका BHEL 301 है, इसके टॉपिक को लेकर चलते हैं। ये जो है आपके खंड एक खंड दो में डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें दो ही खंड हैं, चले देखते हैं कौन कौन से खंड हैं इसमें। इसमें खंड में जो हिंदी भाषा एवं लिपि है, इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी उपभाषाएं एवं बोलियां, भारतीय संविधान एवं हिंदी देवनागरी लिपि उद्भव एवं विकास। तो ये जो चार टॉपिक हैं इनके वीडियो आपके जो चैनल है हिंदी मिरर भी सुनी थी उस पर ऑलरेडी हैं। सारी सबकी जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी UOU BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, तीनों की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। और एक आप वो भी देख सकते हैं, जैसे मैंने देवनागरी देव आपका जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड आपका सिलेबस कुछ मैच करता है, तो ये टॉपिक वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं उस प्लेलिस्ट में से। तो आप देखे जाकर नोट्स अपलोड मैंने किए हुए हैं, तो ये चारों टॉपिक के आपको नोट्स वहीं से मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आते हैं आगे भाषा विज्ञान पर। हिंदी भाषा विज्ञान में आपकी जो है यूनिट 5 से लेकर 11 तक है। इसमें आपका ध्वनि विज्ञान है, रूप विज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ विज्ञान, अन्य व्याकरण इकाइयां, हिंदी की शब्द संपदा, ये टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। तो बने रहिए आप हिंदी मिरर के साथ, आज शाम तक ये दोनों टॉपिक मैं आपको अपलोड करूंगी, तो आप इसके नोट्स अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे तो बुक्स की आपके पास बुक्स अभी तक नहीं आई हैं, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन बुक्स आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि फ़ोन से तो आप नहीं पढ़ सकते, वहाँ से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो मैं आपके लिए नोट्स लेकर आऊँगी उसमें अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ से भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं सेकंड पेपर में आपके कौन कौन से टॉपिक बन रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका स्नातक हिंदी तृतीय का जो है द्वितीय प्रश्न हिंदी में क्या बन रहा है। कोड है 302। तो इसमें आपके खंड एक, खंड दो, खंड तीन, खंड चार हैं, इसमें चार खंड हैं आपके। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। पहला जो खंड है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल लिया गया है, फिर मध्यकाल लिया गया है, उसके बाद आधुनिक काल लिया गया है, फिर काव्य शास्त्र लिया गया है। काफ़ी इसमें आपका जो है पास जो है काफ़ी बड़ा आपका इसमें सिलेबस है, काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी सेकंड पेपर में। तो पहले है हिंदी साहित्य का इतिहास का संबंध, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य के आदिकाल का स्वरूप एवं प्रक्रिया। तो इसमें जो आपको टॉपिक्स मेरे हिसाब से इसका आदिकाल का उद्भव विकास पढ़ना चाहिए, आदिकाल का स्वरूप एवं प्रक्रिया पढ़नी चाहिए, ये भी आप सिर्फ पढ़ लें, लेकिन अच्छे से जो आप टॉपिक तैयार करें आदिकाल का उद्भव एवं विकास को आप तैयार कर लीजिए। अब आते हैं आगे आपकी सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में है मध्यकाल। मध्यकाल में सभी को पता है भक्ति काल है, और भक्ति काल के साथ साथ रीतिकाल, क्योंकि आपका जो मध्यकाल है दो भागों में डिवाइड है। दो भागों का मतलब एक आपका भक्ति काल है, एक आपका रीतिकाल है। तो भक्ति काल में जो आपके लिए गए हैं इसमें इन्होंने बताया है कि भक्ति काल का कविता का उदय आपको पढ़ना है, साथ में इसका विकास कैसे हुआ और विविध शाखाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। रीतिकाल का इसमें परिचय एवं आलोचनाएं आपको पढ़नी है। अब आते हैं आपके थर्ड खंड पर। थर्ड खंड में क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल।
आधुनिक काल में क्या करना है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका एक टॉपिक है, इसको पढ़िए। आधुनिक काल का पद्य किस तरह से हुआ और आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु युग का क्या योगदान रहा, भारतेंदु जी का क्या योगदान रहा, इनसे संबंधित सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद हिंदी कविता में भारतेंदु युग को पढ़ना है, द्विवेदी युग को भी पढ़ना है, और जो स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता का विकास हुआ वह किस प्रकार से हुआ और किस तरह से कौन कौन से काल में किस प्रकार से हुआ है वो सब आपको पढ़ना है। साथ में नई कविता के संदर्भ भी आपको पढ़ने हैं, नई कविता के संदर्भ में उसकी प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके बनेंगे इम्पोर्टेंट, एक तो आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, साथ में स्वतंत्रोत्तर काल और हिंदी कविता का विकास आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक आपका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर काव्य का लक्षण एवं स्वरूप, इसको पढ़िए। साथ में अलंकार संप्रदाय के बारे में, ध्वनि संप्रदाय के बारे में, रीति संप्रदाय के बारे में, किसने ये संप्रदाय चलाई उनके बारे में, सबके आचार्यों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स बनते जाएंगे आपकी तैयारी होती जाएगी। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी इन टॉपिक से संबंधित, तो आप उन वीडियो को भी देखेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब ये तो रही हिंदी की बात, अगर आपको और भी टॉपिक्स या फिर और भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है बीए फाइनल ईयर वालों को, तो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको तैयारी करानी है और कौन कौन से टॉपिक्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कराने हैं। अब ये इतने सारे टॉपिक्स जो इसमें हैं, 20 टॉपिक हैं, तो 20 टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको कवर करवाना है और समझाना है। जब आप YouTube से देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बुक से और साथ साथ में बुक्स आपके पास नहीं है तो आपको ऑनलाइन ही ये पढ़ना पड़ेगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो हिंदी मिरर का चैनल है आपका, PDF वहाँ से आप उठा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। मैंने PDF वहाँ पर डाली हुई है, सारी बुक्स की हैं वहाँ पर, ये नहीं सिर्फ हिंदी की है। वहाँ से आप जो है अपनी पॉलिटिकल बुक भी ले सकते हैं और अपनी जो है हिस्ट्री की जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर लोड कर दूंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि कौन सी बुक्स की PDF आपको चाहिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और शेयर कीजिए। अगर आप जो है UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं हैं तो उनके लिए शेयर कीजिए जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं 24 तारीख से। अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये जानकारी पहुंचेगी कि चैनल पर जो है नोट्स की तैयारी कराई जा रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके जो है शेयर से जो है किसी की केयर हो सकती है, उसके तक जानकारी पहुंच सकती है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए।